हेलो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक तरीके से इस रेसिपी को आज हम तैयार करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अंडा खाने के शौकीन हो तो आपके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही लजीज बनती है ये रेसिपी ना दोस्तों। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करके देखिएगा, सभी लोग आपकी तारीफ करते हुए ना थकेंगे। तो ये रेसिपी को बनाने के लिए हम चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। और रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को हम फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलिए आप गैस पर रखिए एक कढ़ाई और यहाँ पर डाल दीजिए आधा कप। मैंने यहाँ पर सरसों ऑयल यूज किया है, ठीक है। आप कोई सा भी जो भी आप ऑयल खाते हो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, 2 से 3 चम्मच, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से पहले गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ना यहाँ पर आधा चम्मच आप जीरा ऐड कर लीजिएगा और 2 तेज पत्ते डाल दीजिएगा। इसके साथ ही में हम डाल देते हैं 1 छोटी इलायची, 2 पीस लौंग और 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, ठीक है। बस इसका जो पीसेस है दालचीनी का ना बिल्कुल छोटे साइज में रखिएगा, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है बिल्कुल स्ट्रांग होता है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सभी चीजों को अच्छे से हम सीजन होने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 बड़े साइज के प्याज को यहाँ बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा, जितनी बारीक आप चॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें डाल दीजिए। चलिए इसे हम थोड़ा सा हम पका लेते हैं, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसलूशन ना हो जाए। तो इसे हम 1 से 2 मिनट इसे हम पका लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सेकंड के बाद ना इसे देखिए बहुत अच्छा सा कलर यहाँ पर देख लीजिए आ गया है। तो अब जैसे इस तरीके का कलर जब आ जाएगा तो यहाँ पर डाल दीजिए 1 चम्मच आप लहसुन का पेस्ट। अगर आप अदरक खाना पसंद करते हो तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ लहसुन का पेस्ट यूज किया है। तो चलिए इसके साथ ही में ना हम 1 टमाटर की प्यूरी को बना लीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा। प्यूरी बनाने से है जो होती है ना कि इसकी ग्रेवी जो है बहुत अच्छी बनती है, इसलिए मैं यहाँ पर प्यूरी बना करके डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब साथ ही में हम कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो 1/2 टीस्पून नमक डाल दीजिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर और ना थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच आप डाल दीजिए यहाँ पर धनिया का पाउडर। तो चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और इसकी हम भुनाई करेंगे। तो उस क्या करना है हमें, इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। ये टमाटर वाली मेरे पास थी ना प्यूरी, इसमें थोड़ी सी बची हुई थी, मैंने उसी में पानी डाल करके इसमें डाल दिया है। तो चलिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। हम लीड को कवर करते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे। तो कुछ सेकंड इसे आप इस तरीके से, मैंने 1-2 बार इसे चेक भी किया था लीड को हटा करके, और इसकी मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने भुनाई कर ली है। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई कीजिएगा। इस तरीके से जब ऑयल अच्छे से सरफेस पे आ जाएगा तब यहाँ पर 1/2 चम्मच आप कसूरी मेथी डाल दीजिएगा। कसूरी मेथी का जो है बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, जरूर से आप ऐड कीजिएगा। और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। आप कोई भी ब्रांड का गरम मसाला पाउडर यूज कर सकते हैं, होममेड भी आप डाल सकते हैं होम, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए इसे हम मिक्स करते हुए हम इसे पका लेते हैं कुछ सेकंड, ताकि ये कसूरी मेथी का जो है कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही इसके अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो यहाँ पर डाल दीजिए पानी। तो पानी यहाँ पर मैंने 1 कप यूज किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। पानी ज्यादा हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है, बस इस तरीके से हमें इसकी गाढ़ा सा हमें इसका ग्रेवी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं, बस इतना ही पानी डालेंगे, ज्यादा पानी हमें नहीं डालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके का हमें रख लेना है। तो अब तेज पत्ते इससे हम हटा देते हैं, क्योंकि इसका जो काम था वो हो चुका है, इसका जो फ्लेवर इस ग्रेवी में ना आ चुकी है, तो इसे हम हटा देते हैं। तो चलिए इसे हम मैंने हटा दिया, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम क्या करना है, इसको हम लीड को कवर कर देंगे। अब हम इसको बॉयल आने तक का वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब अंडे को एक प्याले में आप फोड़ लीजिएगा, तोड़ करके इसमें डालिएगा, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं डालिएगा, कि कुछ क्या होता है कभी कभी ना अंडे खराब भी निकल जाते हैं, तो आपकी बिल्कुल जो है ग्रेवी खराब हो जाएगी। तो इसलिए आप प्याले में ही इसे तोड़ करके डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर 4 पीस का यूज किया है, आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी हो आप उस तरीके से आप यहाँ पर अंडे को ले सकते हैं, 5-6 जो भी आपके बनाने हो ना, तो बस इस तरीके से फोल्ड करके आप डाल दीजिए। फेंटना वगैरह कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्टली आप इसमें अंडे को डाल दीजिएगा। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा ना नमक ऐड कर दीजिएगा, स्प्रिंकल कर दीजिए, ताकि ये अंडे जो है बिल्कुल फीके फीके ना लगे। और हल्के ही डालिएगा, क्योंकि अंडे में भी सॉल्ट होता है,
इस तरीके से। और इसमें इसके ऊपर ना स्प्रिंकल कर लीजिए थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, इससे ना फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो चलिए ये मैंने डाल दिया है। अब हमें करना क्या है कि हरी मिर्च मैंने ली है, इसके मैंने बीच से चीरा लगा लिया है इस तरीके से। तो दो पीस मैंने हरी मिर्च ली है, बीच से चीरा लगा दिया है और इस तरीके से हम इसपे डाल देते हैं। हरी मिर्च का जो फ्लेवर आएगा ना इस रेसिपी में ना बहुत बढ़िया आएगा, ये रेसिपी बहुत मजेदार बनने वाली है। तो चलिए अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर के स्लो फ्लेम पर पका लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 मिनट मैंने इसे पका लिया है और अंडे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल कच्चे नहीं है। तो इस तरीके से जब पक जाएंगे ना तो ऊपर से आप इसके ऊपर से धनिया की पत्ती को स्प्रिंकल कर लीजिए, इस तरीके से आप डाल दीजिएगा। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। आई होप कि मेरी रेसिपी आपको जरूर पसंद आ रही होगी। फ्रेंड्स आप ना इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, और अपना फीडबैक मुझे जरूर से दे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लीड को कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पर 2 मिनट इसे हम पका लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल फाइनल लुक आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितना अच्छा से ये बिल्कुल अलग अलग सा हो गया ना, बिल्कुल ज्वाइंट भी नहीं हुआ। अगर ज्वाइंट भी हो जाता है तो आप इसे बीच से कट कर लीजिएगा। आप इसे ना रोटी पराठे के साथ खाइएगा, बहुत ही मजेदार बनती है। फ्रेंड्स आप एक बार इस रेसिपी को इस तरीके से आप बना करके देखिएगा, बहुत ही यूनिक तरीके से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार बनती है। चलिए फटाफट से ये रेसिपी आप बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई और मजेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।